कुछ नहीं है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, वो जो फोटो शूट हो रहा है लौंडे का। अब बस करो, हाँ बताना फिर टोल टैक्स लग जाएगा। सो अभी हम पहुँचे हैं दोस्तों कालपा सोसाइटी। अब थोड़ा रेडी हो रहे हैं भाई, नहाने की कोशिश कर रहे हैं। नहाने की कोशिश क्या मतलब, नहाएंगे क्योंकि आज नहा लेते हैं, आगे पता नहीं कल नहा पाए ना नहा पाए, ठीक है। बाकी सामान आज का डेस्टिनेशन आज क्या कहाँ कहाँ करते हैं, नाको और नाको 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? नए दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ और ऐसे व्यू के साथ। तो अभी हम कहें कहाँ, विकॉन्ग पियो। तो जैसे आपको पता है लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके पहले लास्ट वीडियो देखो कि हम दिल्ली से विकॉन्ग पियो तक कैसे आए विदाउट एनी स्टॉप, कहीं नहीं रुके, सीधा विकॉन्ग पियो तक पहुँचे। और यहाँ टेम्परेचर माइनस में मिला, सेवन मैक्सिमम सेवन गया था रात को, बहुत हालत ख़राब थी भाई। रजाइयाँ ये ऐसी ऐसी रजाई दी थी भाई, एक रजाई खिसक के नीचे गिर गई, मैं खींच रहा हूँ तो भाई मत पूछो क्या क्या हुआ। बाकी ठंड बहुत थी, अभी भी देखो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नहीं पूछ रहे हम, नहीं पूछ रहे, तेरे को बता भी नहीं रहा मैं, नहीं पूछ रहे। तो मैंने तूने मेरी रजाई खींची थी। तो बस अब थोड़ा रेडी हो रहे हैं भाई, नहाने की कोशिश कर रहे हैं। नहाने की कोशिश क्या मतलब, नहाएंगे क्योंकि आज नहा लेते हैं, आगे पता नहीं कल नहा पाए ना नहा पाए, ठीक है। बाकी एक सामान गाड़ी से निकाल दिया, रात का सामान भी निकाला था गाड़ी से, कपड़े भी ठंडे हो रखे, मत पानी फिर गर्म ऐसे ही रहने। तो अभी सामान गाड़ी से निकाल के लेके आए, क्योंकि सामान रात को मैं निकालने की जरूरत नहीं थी। रात को बस भाई खाना खाया और ऐसे बेहोश होकर सो गए, पता नहीं चला, इतनी नींद आ रही थी। क्योंकि कंटिन्यूसली हमने 19 घंटे ड्राइव करके यहाँ तक पहुँचे थे, तो काफ़ी मज़ा आया, अब मज़ा और करना है। बाकी इधर का व्यू देख लो, एक नंबर का हो रहा ऊपर पहाड़ों का, कैसे सुनो पीक माउंटेंस दिख रहे हैं, एक नंबर। टेम्परेचर अभी एक दो हो रखा है, मतलब एक दो नहीं, मतलब हाँ एक दो टेम्परेचर है, माइनस में तो नहीं है पर ऐसे रात में था। चलो फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से आगे के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा सा चमक चमक जाते हैं, क्योंकि फोटो वोटो खिंचवानी है और आपको दिखानी है। सो हम रुके थे जीवन ज्योति होटल एंड रेस्टोरेंट। सो ये क्या, इधर खड़ा कर दे इधर किसको। तो हम यहाँ रुके थे, बढ़िया स्टे था, चीप एंड बेस्ट। और ये है विकॉन्ग पियो की मार्केट है, मेन चौक से थोड़ा सा इधर आके, ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साथ में ही है। बाकी अब सामान वाम गाड़ी में रखते हैं अपनी, और क्या दूँ ये ले भाई, चलो रखो लैपटॉप बैग का, मेरे वो रख दिया मैंने, सीट पर रख दिया आगे, ये पकड़ उठा के ठीक से रख। ये हाथ में क्या तेरे, नहीं आ गया टावल को ऐसे डाल दे बैगों के ऊपर रख दे, जैकेट मंगा रहा हूँ मैं, तो इसको बैग टावल को बैगों के ऊपर डाल दे, मेरा भी ले ले। तो भाई टावल गीला होने ही, यार नहाएंगे तो थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा इसको, यहीं डाल दी, चल रही खाना खाने के लिए, सूख जाएगा आते आते, बंदर ले जाएगा उसको जरूरत होगी तो। चल भाई रख, ये ले इसको भी डाल, खोल के डाल दे, सूख जाएगा।
चलो। अरे भाई सुनो, आधार कार्ड भी लेना भाई से, आईडी प्रूफ दे रखा है कि भाई भागना चाहे बंदे, आधार कार्ड रख लो इनका। चलो पहले यार नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता अगर निकलेंगे ना यहाँ से फिर टेंशन नहीं रहेगी रास्ते में, क्योंकि रास्ते में मिलता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, प्रॉब्लम हो जाती है। नाश्ता खाते दो तीन पराठे तो खा लियो, एक पराठा मैं खा लूंगा बस, ज्यादा खाएगा सोच रहा हूँ, 8-9 खा लूं। पैक भी करा ले रास्ते के लिए, हाँ पैक भी करा लो। ठीक है, तो आज तो मेरा संडे से मार्केट सब बंद है शायद, बंद होती है भाई छुट्टी। अरे भाई सुनो भाई साहब, चलो अपनी थार को करते हैं कोल्ड स्टार्ट, एक बार हो जाएगी फिर फर्स्ट, इतना टेम्परेचर तो नहीं है, ये हो गई देखा, पेट्रोल है, पेट्रोल है, तुम भी मजे ले रहे हो, मजे ले रहा हूँ तुम्हारी थार, वो थी ना का थारी वो क्या डीजल एक्सयूवी पन्ना मारना, नहीं वैसे टेम्परेचर तो धूप आ गई ना, अब धूप आ गई सुबह सुबह स्टार्ट, सुबह सुबह तो ठंड होता, टेम्परेचर तो माइनस में था ऐसे। भाई कितनी गंदी हो गई है यार, बहुत गंदी हो गई अंदर से, तो मैट वैट सब गंदे हो गए। चलो बैठे अपनी थार में, जब बोले के जब बोले ना, तो महादेव तो चलो चलते हैं यहाँ से, आज का डेस्टिनेशन आज क्या कहाँ का करते हैं, नाको और नाको 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 नाको, और बताते हैं क्या क्या करने आज। सो आज का नाश्ता रिकॉम प्योर से छोले दही बटर मक्खन, बटर मक्खन मतलब, और ये परोठा, तो खाते हैं एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। तो दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं रेकॉन्ग पीओ से मेन मार्केट से, अब जा रहे हैं हम कालपा की तरफ, और यहाँ देखो सामने रेड लाइट है भाई चौक पे, और सारे फॉलो कर रहे हैं रूल्स को भाई, रेड लाइट पे है तो रेड लाइट पर रुके हुए हैं, अब हुआ है हमारा ग्रीन सिग्नल, अब हम निकलेंगे। देख रहे हो दोस्तों क्या बढ़िया चीज़ है यार, सारे लेन से चलते हैं यहाँ पर, चलना पड़ता है भाई क्योंकि कैमरे भी लगे हैं ना, बेल्ट भी लगा लो, सीट बेल्ट भी लगानी पड़ती है भाई साहब। चलो हम भी लगा लें, चलते हैं भाई, पांच हम रुकेंगे भाई, हम फिर से रुकेंगे क्योंकि रेड लाइट हो गई है। दोस्तों ये स्टैचू लगा हुआ है इनका ठाकुर सेन नेगी, और इनका एज लिखा हुआ है 1907 में और 2001 में इनकी एक्सपायर मतलब डेथ हुई है, तो क्या एज है भाई 94 ईयर्स में। ये सरकारी सेवा मतलब सरकारी सेवा भी कुछ करी है इन्होंने, सब कुछ लिखा हुआ है, और 94 की एरियर एज में तक ना, क्या बोल रहा हूँ ठाकुर सैनी सर। दोस्तों देख रहे हो अभी हम हैं रिकॉन्ग पीओ के चेक पॉइंट मतलब ये मेन चौक पे, और यहाँ पर इनकी स्टैचू लगा हुआ है ठाकुर सैन नेगी का, और जो इन्होंने इनकी जो एज लिखी हुई है 1907 में ये मतलब बॉर्न हुए थे, और 2001 में ये चुप है। सो अभी हम पहुंचे हैं दोस्तों कालपा सुसाइड पॉइंट, और ये अपनी यहाँ खड़ी है थार, और पीछे लिखा है आई लव किन्नौर, पीछे का व्यू देखो एक नंबर आ रहा है ना, बहुत ही गजब। अभी हम आगे जाएंगे उस साइड, वहाँ से फोटो क्लिक करेंगे। ये देखो दोस्तों यहाँ कितना गलत काम कर रखा है यार, इतनी अच्छी जगह इतने अच्छे व्यू को यार इतना गंदा कूड़ा वूड़ा, जब यार नहीं करना चाहिए यार ऐसे, इतने अच्छे व्यू को इंजॉय करो, इन चीज़ों को देखो यार, जो हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी अच्छी जगहें हैं, और यहाँ के ये कूड़ा वूड़ा मत फैलाओ यार, इंजॉय करते हो अपने गाड़ी में करो, अपनी गाड़ी में रखो, ऐसे बाहर मत फेंको।
दोस्तों बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने कई कभी एक दो घंटे स्पेंड कर लिए फोटो वोटो रील वील्स ये सब बनाने में, तो बस अब यहाँ से निकलते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नाम लिखा हुआ था यार मैंने नाम। सो दोस्तों अभी हम हैं रोलर क्लिफ और ये हाइट है इसकी भाई समुद्र तल से 2960 मीटर, 3000 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ रील्स वील्स ये सब बनाई है, तो काफ़ी मज़ा आया। तो यहाँ बहुत टाइम स्पेंड करने का, बाइकर में भी हमने एक दो घंटे स्पेंड कर लिए यहाँ पर। अब यहाँ चलते हैं आगे, अब निकलते हैं हम ताबो की तरफ, ठीक है। तो अब चलते हैं बाकी साइड और आगे तो कुछ है नहीं, भाई गाँव है रागी या कुछ नाम बताया था भाई, अभी बता रहे थे लोकल थे कुछ गाँव है, एक ये रहा और एक गाँव वो उधर सामने, ये सुन कर दिखा दो ये गाँव है और एक गाँव ये है, आगे कुछ नहीं है। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, फोटो शूट हो रहा है लौंडे का। अब बस करो, हाँ बताना फिर टोल टैक्स लग जाएगा।